जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नई भर्ती 2021 के बारे में। इंडियन कोस्ट गार्ड में नई भर्ती आया हुआ है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना होगा इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और कैसे आपको अप्लाई करना होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाना होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in जैसे लिखकर अपने गूगल पर सर्च करेंगे डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना होगा, नीचे आने का तो व्हाट्स न्यू आपको देखने को मिल जाएगा। व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे जितना भी नोटिफिकेशन होगा यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, ये आज ही का पब्लिश किया गया है, 14 अगस्त 2021 को पब्लिश किया गया इसका नोटिफिकेशन। जैसे आप इस पर इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे आप इसका ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, या फ्रेंड्स आपको अपने गूगल पर सर्च करना। तो फ्रेंड्स, अपने गूगल पर आपको सर्च कर लेना होगा ऑल जॉब्स फॉर यू। जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, फर्स्ट लिंक देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना होगा नीचे, नीचे आने के बाद व्हाट्स न्यू में आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड चार्जमैन ग्रुप बी रिक्रूटमेंट 2021। तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसके शॉर्ट नोटिस वाले पेज पर आ जाएंगे। मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, अपडेट के बारे में बात कर लें। तो आज ही का अपडेट निकल के आया हुआ है 14 अगस्त 2021, इसीलिए आपको आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी भी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। जैसे नीचे आएंगे पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। 14 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुआ, 13 अगस्त 2021 तक ये फॉर्म फिल होगा। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फॉर्म फिल होगा ऑफलाइन फॉर्म इस फिल किया जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे आपका एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जा रहा है। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इस ट्रेड से, और 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके यहाँ से भी आप अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, आपके सामने इसका पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। पीडीएफ ओपन होने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा आपको, कोस्ट गार्ड आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद कोस्ट गार्ड की वैकेंसी है ये फ्रेंड्स, इसमें केवल इंडियन सिटीजन एलिजिबल होंगे, और उसके बाद डायरेक्ट भर्ती है, मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद पोस्ट नेम आपको देखने को मिल जाएगा, चार्जमैन जनरल सेंट्रल सर्विस आप देख पाएंगे। ग्रुप बी की वैकेंसी नॉन गजेट नॉन एडमिनिस्ट्रियल पोस्ट है। पे स्केल आपका लेवल 6 का रहने वाला है, 35,400 से 1,24,000 आपका पे स्केल रहेगा। पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल 9 पोस्ट के लिए भर्ती आया हुआ है। SC ST और OBC के लिए कितने पोस्ट है चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आप डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इस किसी भी ट्रेड से, ये जो ट्रेड दे रखा है। उसके बाद 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आपके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर 30 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट। रिटेन टेस्ट भी होगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा जनरल एविडेंस और अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसे नीचे आएंगे और जानकारी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इसका जो फॉर्म है उसका उसको डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद उसको अप्लाई करना होगा। जैसे नीचे आएंगे ये आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इसी फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके ये सब फिल करना होगा और अप्लाई करके सेंड कर देना होगा। कहाँ सेंड करना होगा देखिए, जैसे आप ऊपर आएंगे आपको ये एड्रेस देखने को मिल जाएगा, एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं, या हाउ टू अप्लाई वाला ऑप्शन में भी आपको आपका एड्रेस देखने को मिल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे अपना आपका एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको ये सेंड कर देना होगा, नोएडा UP के लिए है। और फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म फिलअप का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दूंगा।